नमो नमः। इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संस्कृत व्याकरण पर आधारित कौन से प्रश्न बनते हैं, ये आप लोगों ने जानना चाहा है। वर्ण, शब्द और पद पर आधारित संभावित प्रश्न और उनके उत्तर, इन पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे संधि, समास और अनुवाद पर आधारित कैसे प्रश्न पैनल पूछ सकता है। संधि और समास से बहुत कम प्रश्न पूछने की संभावना है, क्योंकि पैनल जानता है कि ये दो विषय तकरीबन छात्र छात्राओं को अच्छी तरह से आते हैं, आसान टॉपिक्स हैं। फिर भी क्या पूछ सकते हैं, संधि की परिभाषा पूछी जा सकती है, संधि और संयोग में अंतर पूछा जा सकता है, संधि कितने प्रकार की है पूछा जा सकता है, कोई विशेष पर्टिकुलर शब्द आपको देकर उसका विच्छेद करने को कहा जा सकता है और उसमें कौन सी संधि है ये पूछा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा कोई सूत्र भी पूछ सकते हैं कि इसको सिद्ध करके बताइए कैसे ये बनेगा। सूत्र शब्द सुनते ही आपको घबराना नहीं है। यदि आपको सूत्र के माध्यम से वो स्पष्ट नहीं करनी आती तो आप सिंपल बताइए कि हमने हिंदी में पढ़ा है, हमें इतना पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जितना आता है आप उतना बताएं, ठीक है। तो कौन सी संधि पूछ सकते हैं, मानो स्वच्छ में पूछा आपसे, स्वच्छ में कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस अच, ऊ को य बन गया, यण संधि है। आपको जितना पता है उतना बताएं आप बिना डरे। महर्षि में पूछ सकते हैं, षडानन में पूछ सकते हैं, नमस्ते में पूछ सकते हैं, कोई संधि कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, इससे ज्यादा संधि में प्रश्न नहीं बनेंगे। दूसरा टॉपिक है समास। परिभाषा, आपको हर टॉपिक की, हर विषय की परिभाषा पता होनी जरूरी है, तो समास की परिभाषा पूछ सकते हैं। समास के कितने भेद हैं, चार हैं या छह हैं, किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है ये पूछ सकते हैं आपसे, और वही संधि की तरह कुछ शब्द देकर कि इसका समास विग्रह करिए और समास का नाम बताइए। जैसे मान लो आपसे कहें कि राजपुत्र, इस शब्द का समास विग्रह क्या होगा, राजा का पुत्र तो राज्ञः राजपुत्र, राज्ञः पुत्र आपको करना है, राजस्य नहीं बोलना वहां पर, गंगा पुत्र गंगायः, गंगा जलम गंगायः जलम, तो आपको विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि उस शब्द के रूप कैसे चलेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समास में दूसरी चीज आपसे क्या पूछ सकते हैं कि पीताम्बरम शब्द में कौन सा समास है। मान लो आप कह देते हैं कि कर्मधारय समास है, आपने दिमाग में फट से सोचा कि पीतम अम्बरम पीला वस्त्र कर्मधारय समास है, तो वहां आपको घुमाएंगे कि यहां पर बहुव्रीहि समास क्यों नहीं है, क्या बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, तब आप सोच में पड़ जाएंगे यदि आप पहले से ही प्रिपेयर नहीं है तो। यहां बहुव्रीहि समास भी है, मान लो आपने कह दिया कि हाँ बहुव्रीहि समास भी है, फिर पूछेंगे तो पहले आपने कर्मधारय क्यों कहा, आप यदि पहले बहुव्रीहि कह देंगे तो फिर कहेंगे कि कर्मधारय क्यों नहीं हो सकता। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको बहुत स्मार्टली देना है कि हमारी जो हम समास का विग्रह करते हैं उस पर समास का नाम डिपेंड करता है। जब मैंने कहा कि पीतम अम्बरम तब यहाँ कर्मधारय समास था, यदि मैं कहती हूँ कि पीतम अम्बरम यस्य सह तम, पितानी अम्बराणी यस्य सह तम, उसके लिए उसको, तब यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। तो आप ऐसे उत्तर देके देखें कितना प्रभावित हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको पहले से अच्छी तरह तैयारी करनी पड़ेगी, और ये सारे टॉपिक सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाएं, हर चीज की बारीकी से जानकारी दी गई है, हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, आप चैनल पर जाएं, उसको समझें और अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको द्विगु समास में
और बहुव्रीहि समास में अंतर जानने के लिए पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल दशानन वर्ड है, दशानन में कौन सा समास है, हम जानते हैं बहुव्रीहि समास है, लेकिन आपको पजल करने को कहा जा सकता है कि दश द्विगु समास क्या होता है, जिसमें पूर्व पद संख्या हो, कि द्विगु समास क्यों नहीं है, बहुव्रीहि क्यों है। तो यहां पर इसका उत्तर आपको अलग तरीके से देना है कि जहां पर समूह होता है, ग्रुप होता है, वहां पर होता है द्विगु समास, और अन्य अर्थ प्रधान हो जहां पर, वहां बहुव्रीहि समास होता है। इस तरह से आपको दोनों शब्दों के डिफरेंस बताने हैं, अंतर आपको स्पष्ट करना है, पहले खुद स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। तो समास से इससे ज्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछे जा सकते। नेक्स्ट टॉपिक है अनुवाद। तो आज हमने संधि में क्या क्या संभावित प्रश्न है, समास और अनुवाद पर आधारित संभावित प्रश्न की चर्चा हो रही है। अनुवाद पर आधारित संभावित प्रश्न, अनुवाद आप लोगों को बस लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन यदि आपने उनके द्वारा पूछे गए अनुवाद के वाक्य का ट्रांसलेशन कर दिया, अनुवाद कर दिया उस हिंदी टू संस्कृत, तो काफी अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि वो अनुवाद का वाक्य साधारण नहीं पूछते हैं, काफी ट्रिकी होता है, यानी कुछ ना कुछ जांचना चाहते हैं। वो उपपद विभक्ति पर आधारित हो सकता है, संख्या पर आधारित हो सकता है, विशेषण विशेष्य पर आधारित हो सकता है, और साधारण विभक्ति के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो जैसे मैं आपको आज 5 वाक्य पूछती हूँ, सर आप वाक्य बोलिएगा प्लीज, उधर नीचे लिखे। पहला वाक्य है, इस कमरे में 2 महिलाएं हैं। मान लो वो वहीं से ही सेंटेंस आपसे बना देते हैं, इंटरव्यू रूम में 2 महिलाएं हैं, आप इसका किस तरह से अनुवाद करेंगे? तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या खास बात है, तुरंत इतना समय नहीं है, आपको फटाफट दिमाग में हिसाब लगा लेना है। पहले कमरे में की संस्कृत कक्ष, कक्षे, तो इस जो है कमरे में का विशेषण है, तो अस्मिन कक्षे, तो ये सब तब आएगा जब आपको अनुवाद आता हो करना, शब्द भंडार आपका बहुत अच्छा हो, पूरे रूल्स पता हो। महिलाएं, महिले, महिला, महिले, और ये संख्यावाची शब्द है, तो द्वे महिले, और हैं, 2 हैं, अस्ति स्तः, देखने में वाक्य कितना छोटा था, इस कमरे में 2 महिलाएं हैं, पर बहुत ट्रिकी है, ये शब्द आपका चेक किया गया, ये विशेषण विशेष्य चेक किया गया, क्रिया चेक की गई, अक्सर हैं देखा संति बोल देते हैं, घबराना नहीं है, टाइम ले लेना मगर शुद्ध करना। दूसरा वाक्य, उद्यान में अनेक पक्षी आते हैं, उद्यान में अनेक पक्षी आते हैं, यहां भी देखना पक्षी आते हैं, सिंपल लट लकार का सेंटेंस है, उद्यान में आप बड़े आराम से कर दोगे, उद्यान है, सप्तमी विभक्ति लगा दी, पक्षी की आते हैं देखा हमने, बहुवचन है खगा, आगच्छन्ति जाते हैं, गच्छन्ति आगच्छन्ति आते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ होगी, इस अनेक शब्द में होगी आपको प्रॉब्लम, हम देखेंगे खगा झट से लिख देंगे अनेकहा, जो कि वही पकड़ में आ जाएगा कि ये तो गलत कर दिया। अनेक शब्द सर्वनाम शब्द है, इसके रूप तत् की तरह चलते हैं, स तौते, अनेकह, अनेकौ, अनेके। खग शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो इसका बहुवचन स तौते, अनेका, अनेकौ, अनेके। ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान रखना, यहां अगर स्त्रीलिंग शब्द होता तो अनेकह होता, नपुंसकलिंग शब्द होता तो अनेकानी होता, पुल्लिंग है अनेके। इन बातों का दिमाग में ध्यान रखते हुए फिर अनुवाद करना। तीसरा वाक्य, गांव के चारों ओर, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं,
यहाँ आपकी उपद विभक्ति चेक की जा सकती है चारों ओर। बाकी सिंपल है, उपद विभक्ति देखने के लिए आपको चेक करेंगे। चारों ओर की संस्कृत है परिता। आप ये मत करना गांव के काके की स्य लगा दे। परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति। क्योंकि मैं यहाँ अनुवाद नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि ऐसे वाक्य पूछे जाते हैं। मैंने नाचते हुए मोर को देखा। ये वाक्य अनुवाद में मुझसे पूछा गया था जब मैंने अपना संस्कृत का टीजीटी के लिए इंटरव्यू दिया था। मैंने नाचते हुए मोर को देखा, तो मैं या मैंने की संस्कृत अहम होती है। मोर को पहले हम कर दें मयूरम, देखा अपश्यम। मैंने देखा उत्तम पुरुष लंग लकार एक वचन अपश्यम। बात है नाचते हुए। यहाँ नृत्य धातु के साथ आपको क्षत्री प्रत्यय का प्रयोग करना है और उसके भी फिर रूप चलते हैं। द्वितीय विभक्ति एक वचन में लाना है जो कि बनेगा नृत्यंतम। अहम नृत्यंतम मयूरम अपश्यम। नेक्स्ट। वह लता को पुस्तक देती है। वह लता को पुस्तक देती है। फटाफट नहीं करना कुछ भी कि सह लताम पुस्तकम यच्छति, नहीं। आपको यहाँ ध्यान रखना है दा देना यच्छ, जिसको दिया जाए उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। सा का भी ध्यान रखना है कि वह देखा सह मुंह पे चढ़ा हुआ हो, स्त्रीलिंग शब्द है सा। लता को यानी लता के लिए, लता के रूप भी याद होने चाहिए लता यही। आज के लिए बस इतना पर्याप्त है। सह लतायी पुस्तकम यच्छति। अनुवाद हमने इसी चैनल पर बिल्कुल स्टार्टिंग से फिफ्थ लेवल से शुरू करके काफी हाई लेवल तक के अनुवाद सिखाए हैं। एक बार आप इस पर चैनल पर जाएं और अच्छी तरह से वहां सीखने का प्रयास करें। स्टैंडर्ड के अनुवाद के वाक्य पूछे जाते हैं, हल्के वाक्य नहीं पूछे जाते। इस पर काफी वर्क करके आपको जाना होगा। धन्यवाद।